हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दाइना पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर में हम गुली बाबा पब्लिकेशन की बुक एमए हिस्ट्री एमएचआई 101 का रिव्यू करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, जैसे कि जुलाई 2023 से इग्नू के अंदर में कराया जाने वाला एमए हिस्ट्री के कोर्स में कुछ बदलाव किया गया। पहले जो एमए हिस्ट्री का कोर्स आपको एनुअल मोड के अंदर में मिलता था, उसको सेमेस्टर मोड के अंदर में चेंज कर दिया गया। साथ ही साथ नए एजुकेशन पॉलिसी के तहत में जो सिलेबस था एमए हिस्ट्री का, उसके अंदर में भी कुछ परिवर्तन किया गया। अब यहाँ पे बेसिक चीज़ ये आता है कि पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारी बुक है मार्केट के अंदर अंदर में पहले से ही मौजूद हैं, बहुत सारे पब्लिकेशन हैं जिनकी बुक मार्केट के अंदर में एमए हिस्ट्री से रिलेटेड। पर अगर आप नए सिलेबस की बात करोगे तो नए सिलेबस की अभी तक कोई भी बुक मार्केट के अंदर में नहीं आई है। साथ ही साथ इग्नू की बुक भी अभी सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट स्टूडेंट तक नहीं हुई है। यहाँ पर गुली बाबा के थ्रू 3 बुक लाई गई है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, एमएचआई 101, एमएचआई 104 और एमएचआई 105। एमएचआई 101 और एमएचआई 105 हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। एमएचआई 104 ओनली इंग्लिश मीडियम के अंदर में भी मौजूद है। और मैंने अभी ये ऑनलाइन मंगवाया था एमएचआई 101 की बुक, ठीक है। मैं ये कोई वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे सोच रहे होंगे कि सर को पैसा मिला होगा या कुछ और चीज़ें, तो ये स्पॉन्सर बिल्कुल भी नहीं है। किसी स्टूडेंट ने ये बुक मंगवाया था एमएचआई 101 का, तो मैंने जस्ट उससे उधार लिया कि भाई मुझे दे दे, मैं बनाकर देता हूँ वीडियो, रिव्यू करके देता हूँ कि किस तरह की बुक है और क्या ये बुक यूज़फुल है या नहीं है। एक स्टूडेंट के मन में किसी भी बुक को लेकर क्या क्वेश्चन होते हैं कि अगर मैं इस बुक के ऊपर मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पैसा लगा रहा हूँ, तो क्या मेरे लिए वो लाभदायक हो सकता है? क्या मुझे इस बुक से पढ़कर अच्छे नंबर बन सकते हैं? क्या इसी बुक में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे? क्या इस बुक का लैंग्वेज सही है? बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं माइंड में, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको ये बुक खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। नहीं खरीद रहे हो तो कहाँ से स्टडी कर सकते हो, इसके बारे में भी बात करेंगे। देखो, सबसे पहले तो बुक का कवर दिखा देता हूँ मैं आपको। कुछ इस तरह का कवर है, छोटा सा बुक है, ज़्यादा बड़ा बुक नहीं है। अगर आप नीरज से कंपेयर करोगे तो बहुत परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा। नीरज की बुक की जो पेज क्वालिटी थी काफ़ी ज़्यादा अच्छी इससे में देखने के लिए मिलेगी, पर इसकी पेज क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है मेरे हिसाब से। साथ ही साथ अगर देखोगे लास्ट के पेज पे पूरा एमए हिस्ट्री का जो सिलेबस है आपका, मतलब जो सब्जेक्ट है, वो अंकित है, यहाँ पे प्रिंटेड है। इसको भी आप देख सकते हो कि एमएचआई 101, एमएचआई 104 और एमएचआई 105 जो आपके प्रथम जो सेमेस्टर है उसके अंदर में आ जाएगा। सेकंड सेमेस्टर के अंदर में जो बुक है उनके नाम बाकी डिटेल यहाँ पे दे रखा है। तो एक थोड़ा सा ये है स्टूडेंट के नज़रिए से एक यूज़फुल रहने वाला है। तो ये आपका फ्रंट पेज हो गया और ये आपका बैक पेज हो गया। पूरा जो कवर है, बैक कवर और फ्रंट कवर हो गया। फ्रंट कवर के ऊपर में आप देखोगे तो इग्नू यूनिवर्सिटी के बारे में दे रखा है कि बेस्ट बुक विद द सैम्पल पेपर, इसके बारे में पब्लिश किया हुआ है यहाँ पे। इसका अगर आप पहले पेज पे जाओगे तो यहाँ पे डिटेल में चीज़ें दे रखा है गुली बाबा पब्लिकेशन से रिलेटेड कि किस तरह से क्या चीज़ें हैं, किसके द्वारा लिखा गया है, कौन सा क्या चीज़ है, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम क्या होता है, CBCS ये क्या है, प्रॉपर इसके बारे में जानकारी दी गई है। अगर मैं बुक के प्राइस पे आऊँ, ज़्यादा बातों को ना घुमाते हुए डायरेक्टली अगर मैं बुक के प्राइस पे जाऊँ तो बुक काफ़ी ज़्यादा महंगी है, 450 रुपये का है। आपको जो बुक अगर लेने जा रहे हो ना, तो 450 रुपये का तो बुक है, साथ ही साथ में क्या है कि अगर बुक ले रहे हो तो 450 के साथ साथ में आपको कुछ अगर उसमें डिस्काउंट भी दे दिया ना, तो ज़्यादा डिस्काउंट दे नहीं रहे थे, जबकि जब लेने गया था जो स्टूडेंट उसको 20% का डिस्काउंट मिला है। तो 450 में 20% का डिस्काउंट लगा लो, ऑनलाइन में पूरे बुक का आपको पैसा देना पड़ेगा। 10-12% का अगर डिस्काउंट मिल गया तो आपकी किस्मत है, अदरवाइज आपको पूरे बुक का पैसा देना पड़ेगा। तो अगर मैं प्राइस के नज़रिए से बुक को देखूँ तो बुक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप नीरज से पुराने सिलेबस की बुक को कंपेयर करोगे, क्योंकि नीरज की बुक थोड़ी अच्छी भी थी, उसकी जो वर्ड पावर थी बुक के अंदर में, लैंग्वेज था बुक का वो बहुत अच्छा था इस बुक के मुकाबले में। इसकी जो बुक की लैंग्वेज है ना, जब मैंने पढ़ा थोड़ा सा, देखा 2-4 चैप्टर पढ़कर, तो मज़ा नहीं आया। मतलब लैंग्वेज बहुत गिरा हुआ है, मतलब उस स्टैंडर्ड पे नहीं है कि आप एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट हो आपको ये फील कराए, तो उतना ज़्यादा लैंग्वेज नहीं है। थोड़ा सा कई जगह पर आपको एरर मिस्टेक भी दिखेगा, ये एरर मिस्टेक प्रिंटिंग का हो सकता है, ठीक है, बाकी चीज़ें हो सकती हैं, ये चीज़ें देखने के लिए आपको मिलेगा। चलिए अब इसके बुक के थोड़े चैप्टर्स का भी रिव्यू करते हैं कि किस तरह के चैप्टर्स में क्या है। तो जब आप पेज पलटोगे तो यहाँ पे कुछ पेजों के बाद में आपको पूरा जो बुक का जो विषय टेबल होता है, कंटेंट टेबल होता है, वो दिख जाएगा आपको। ये आपका कंटेंट टेबल रहने वाला है। थोड़ा सा मैं आपको ऊपर करता हूँ जिससे आपको डिटेल में दिखे। अगर आप ये कंटेंट टेबल देखोगे तो यहाँ पे आपका पहला चैप्टर है जो यूनिट फर्स्ट है, आरंभिक मानव समाज, उसके बारे में यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आप आरंभिक मानव समाज को देखोगे तो टोटल इसमें 11 अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप नीरज में देखोगे ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे कंटेंट का जो टेबल, अपना जो चैप्टर का नाम लिखा रहता था और चैप्टर के अंदर में क्या पढ़ने वाले हो, ये कभी नहीं बताया जाता था, वो अंदर जाके चैप्टर में ही पढ़ना होता था। पर इस बुक का एक प्लस पॉइंट मुझे अच्छा लगा जो देखने में, कि पहले ही आपको बाहर में ही बता दिया गया
कि इस पूरे यूनिट के अंदर में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल 11 तरह के क्वेश्चन हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो मानव इतिहास के अध्ययन स्रोत की चर्चा कीजिए, ठीक है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं या जो उनके हिसाब से लग रहा है कि ये क्वेश्चन पूरे चैप्टर के अंदर में इतने क्वेश्चन बन सकते हैं वो लेकर पहले से यहाँ पर प्रिंट करके दिया गया। इसी तरीके से आप देखोगे ना हर एक चैप्टर का दे रखा है, तो जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो या जो भी चैप्टर इसके अंदर में है सभी का आपको यहाँ पे ना क्वेश्चन के वाइज बाहर में मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन इसके अंदर में पूछा जा रहा है। जैसे ये देखो 18वां यूनिट है, 18वां यूनिट के अंदर में देखोगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यूरोप के व्यापार के प्रारूप का विवरण कीजिए, जो यूरोप का व्यापार था उसका प्रारूप किस प्रकार का था, किस तरह से व्यापार किया जाता था उसके बारे में बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्टली बाहर में ही बताया गया है कि इस पूरे चैप्टर के अंदर में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। और लास्ट में जो सैंपल पेपर है वो भी दिया गया है कि 4 सैंपल पेपर अलग अलग तरीके से जो सेमेस्टर मोड के स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है वो बनाकर दिया गया है कि आप 4 सैंपल पेपर की तैयारी कर सकते हो। चलिए पहले चैप्टर पे चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि पहला चैप्टर किस प्रकार का है। तो ये पहला चैप्टर है आपका जिसके अंदर में आप आरंभिक मानव समाज के बारे में बात करने वाले हो कि आरंभिक मानव समाज किस प्रकार का है, ठीक है, पहले चैप्टर के अंदर में ये आपका पहला चैप्टर रहने वाला है। और पहले चैप्टर के अंदर में थोड़ा सा भूमिका बताकर ना इंट्रोडक्शन बताकर ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ जाता है ऊपर में, फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आ जाता है आपका। और जो स्टार्टिंग में आपने 11 क्वेश्चन देखे पहले वाले चैप्टर के अंदर में, तो सेम तरीके से यहाँ पे 11 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जितने क्वेश्चन स्टार्टिंग में बताया गया ना कितने इतने क्वेश्चन हैं, सेम पैटर्न से अंदर में भी वो क्वेश्चन दिए गए हैं। हर एक चैप्टर में इसी तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं, बट यहाँ पे ना मुझे 2-3 चीज़ें कमी लगी। सबसे पहला तो यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ जो मुझे कमी खली कि इसमें जो वर्ड सेलेक्शन किया गया ना आंसर के अंदर में लिखते समय और बुक के अंदर में, पूरे बुक के अंदर में वर्ड बहुत हल्के हैं अकॉर्डिंग टू एम ए हिस्ट्री। अगर आप एम ए हिस्ट्री की बात करते हो तो मास्टर ऑफ हिस्ट्री मतलब बनकर निकलता है कि यार आप हिस्ट्री के अंदर में मास्टर हो। अगर आप इस बुक को पढ़ के जा रहे हो तो आपका थोड़ा सा आपको खुद भी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर आंसर बना रहे हो ना तो कुछ ऐसे वर्ड्स होने चाहिए, अच्छे तरीके से आंसर होना चाहिए जो दमदार लगे, क्योंकि थोड़ा हिस्ट्री लैंग्वेज में लगे तो इसके अंदर में थोड़ा हिस्ट्री लैंग्वेज नहीं दिखता है। और सबसे मेन चीज़ क्या होता है ना, जितने भी आप प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक देखोगे तो उसके अंदर में उस तरह का पकड़ नहीं मिलेगा वर्ड्स के ऊपर में। इग्नू से अगर कंपेयर करते हो तो इग्नू की बुक और इस वाली बुक की बात करो या किसी और प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक की बात करो तो उसके अंदर में उतना ज़्यादा जान आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। पहली चीज़ ये है जो मेरा अपना पर्सनल रिव्यू है, बट एक स्टूडेंट प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो ये वाला प्लस पॉइंट भी है। अब स्टूडेंट प्रोस्पेक्टिव से क्या, स्टूडेंट क्या चाहता है कि भाई बुक ऐसा हो जिसको मैं पढ़ूँ और जिससे मुझे समझ में आ जाए। अगर उस स्टूडेंट पढ़े और स्टूडेंट को समझ में ही ना आए तो बुक का होने का फायदा क्या है, स्टूडेंट के लिए तो वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ बुक है, ठीक है। तो एक स्टूडेंट प्रोस्पेक्टिव से तो बहुत अच्छी बात है, बट एक मेरे प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए कि जब हम मास्टर ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे वर्ड थोड़े सिलेक्शन अच्छे होने चाहिए। वर्ड अगर अच्छे हैं, अच्छे तरीके से लिखे गए उसके अंदर में, तब आप उसको मतलब आगे एग्जाम में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से पहली चीज़ कमी ये है। दूसरी चीज़ कमी ये है कि जैसे कंटेंट है किसी भी चैप्टर का ना, अगर आप देखोगे चैप्टर नंबर हम फर्स्ट पे ही चलते हैं तो चैप्टर नंबर फर्स्ट पे अगर आप आते हो यहाँ पे चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर में देखोगे ये कंटेंट है आपका ना आरंभिक मानव समाज, और इसके अंदर में ना मुश्किल से 7-8 लाइन के अंदर में भूमिका देकर खत्म कर दिया गया। पर अगर आप नीरज से कंपेयर करोगे तो नीरज के अंदर में बहुत अच्छे तरीके से 1.5 पेज के अंदर में, 2 पेज के अंदर में पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन किया जाता था कि चैप्टर है क्या, ठीक है। तो इतना प्लस पॉइंट के तौर पे दिखता था कि अगर मान लो किसी स्टूडेंट के पास उतना टाइम नहीं है कि वो इग्नू की जाके बुक पढ़े और पूरे कंटेंट को समझे, तो डायरेक्टली क्या करता था नीरज की बुक को पढ़ लेता था, जिससे उसका एक प्लस पॉइंट के तौर पे कंटेंट क्लियर हो जाता था। पूरा बुक का कंटेंट क्या है, किस तरह का पूरा बुक चलने वाला है वो समझ में आ जाता था, बाद में क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर लेता था। पर इसके अंदर में ये वाला जो पार्ट है बहुत कम दिया गया है। अभी हमने MHI 105 की बुक का भी ऑर्डर किया है, जैसे ही वो आता है उसकी बुक का भी हम रिव्यू करेंगे कि उसमें किस तरीके से डाला गया है, क्या चीज़ें हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि मुझे खरीदना चाहिए, अभी तक मेरी बुक नहीं आई है नए सिलेबस की सेमेस्टर मोड वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं कहूँगा कि कुछ दिन आप वेट करो। अगर आप नहीं भी खरीदोगे तो भी आप स्टडी कर सकते हो। द इनअप के ऊपर में ऑलरेडी हमने MHI 101 की 12-13 लेसन की वीडियोज़ करवा रखी है, और जैसे ही आपका एग्ज़ाम खत्म होगा दिसंबर में, दिसंबर के बाद आपका जो आगे का जो पढ़ाई है ना वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको चैप्टर्स नए नए वीडियोस में मिलते रहेंगे। तो आपको बस करना क्या है, तो द इनअप को सब्सक्राइब करके रखना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है जिससे वो भी इस ग्रुप से जुड़ सके और वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सके। बिना बुक का भी आप स्टडी कर सकते हो, बिना बुक के भी स्टडी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बुक ही खरीदना है। और इतनी महंगी बुक 450 की अगर आप ये बुक खरीद रहे हो ना तो वेस्ट ऑफ मनी है।
मैं उसकी जगह आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि सिलेबस ख़त्म करवाना मेरा काम है, मैं ख़त्म करवा दूंगा, ठीक है। आपका नंबर अच्छे दिलाना मेरा काम है, मैं दिला दूंगा आपका नंबर अच्छे, ठीक है। बस आपको मेरी बातों को फॉलो करना है। जो 450 रुपये आप इस पर लगाने वाले हो, आप दाइनअप के लिए डोनेट कर सकते हो, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक फ़ोन नंबर मिल जाएगा जिस पे मेरे नाम से ही नंबर होगा, विश्वजीत के नाम से। फ़ोन पे, पेटीएम या गूगल पे के थ्रू आप हमें डोनेट कर सकते हो, 5, 10, 15, 50 जो भी आपका बन सके। अगर आप कैपेबल हो तो डोनेट ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम कुछ आर्थिक प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और तकनीकी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जिसके कारण से हम पीछे काफ़ी समय से वीडियो रेगुलर नहीं डाल पा रहे थे। अगर आप हमारी हेल्प करते हो तो हम उसको अपडेट करेंगे और उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि आपकी जो सिलेबस है उसको एज सून एज पॉसिबल ख़त्म करवाएं और आपके अच्छे नंबर बने। और सिर्फ ऐसी नहीं, हवाई बातें नहीं कि आपके अच्छे नंबर बनेंगे, पीछे के अगर किसी भी स्टूडेंट से अगर बात करोगे, अगर हमारे दाइनअप ग्रुप के अंदर में जुड़े हो, तो उनका किस प्रकार का रिस्पॉन्स रहा है उनके सिलेबस को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर किस तरह का नंबर आया है दाइनअप के साथ में जुड़कर, वो आप उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो MHI 101 का नॉर्मल रफली अगर मैं एंड ऑफ द बुक बात करूँ कि क्या खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, तो मैं तो ये बोलूँगा कि खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप खरीद सकते हो, नहीं तो मत खरीदिए, क्योंकि ज़्यादातर वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी दाइनअप के ऊपर में। ऑलरेडी मैंने 12-13 चैप्टर करवा रखे हैं, वहाँ पर देखे, कुछ दिन में आपकी इग्नू की बुक भी आ जाएगी। और ये सारी बुक ना लास्ट टाइम पर ही सिर्फ कायम आती है, ठीक है। अगर आप पर्टिकुलर तरीके से ना धीरे धीरे करके आप पढ़ रहे हो, ठीक है, दाइनअप के ऊपर में या बाकी किसी और यूट्यूब चैनल के ऊपर में, तो बहुत अच्छे से सिलेबस आपका कवर हो सकता है। साथ ही साथ आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके आसपास में कोई स्टूडेंट है जिसके पास पुरानी बुक है नीरज की या किसी और की, तो उस बुक से भी आप स्टडी कर सकते हो। सिलेबस चेंज हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पहले अकबर के बारे में पढ़ना था या मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना था पहले पुराने सिलेबस में, अब मौर्य साम्राज्य को हटाकर कुछ और नया ला दिया, ऐसा कुछ नहीं है। नए सिलेबस के अंदर में कुछ नए टॉपिक डाला गया, ठीक है, पढ़ने का तरीका, क्वेश्चन पूछने का तरीका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना उसके तहत अपडेट किया गया है, ठीक है। नया सिलेबस का मतलब ये नहीं है कि पूरा चेंज कर दिया गया, पहले कुछ और आता था अब कुछ आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ें वही हैं, बस यहाँ पे एक तरीका चेंज किया गया, पैटर्न चेंज किया गया है कि किस तरीके से क्वेश्चन बनकर आ सकता है, किस तरह से कंटेंट हो सकता है, कंटेंट के अंदर में फेरबदल किया गया, बाकी चीज़ें सेम ही रहने वाली हैं। तो आप पुराने वीडियो से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वीडियो एंड करूँगा, बट रिक्वेस्ट यही रहेगी आप सभी व्यूवर से कि दाइनअप को सपोर्ट कीजिए। अगर आप कैपेबल हैं तो हमें डोनेट कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम इस तरह की वीडियोस मिलती रहें और आप अच्छे से पढ़ सको, अच्छे नंबर आ सके, इसके बारे में हम बात करेंगे, मतलब आपके नंबर आएँ, ये हम कामना करेंगे आपके लिए, और आपको ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।